रोज बोल बोल के लिखना और बोलना सिखाओ। मैं आप यकीन मानिए दूसरी बार गई तो शायद वो चार पांच गलती किया, पूरे एक पेज में पूरा सीख दिया। तो मैं आपके सामने ये एक उदाहरण बता रही थी, ज़्यादा नहीं बोलूँगी। इस गांव के सभी गणमान्य नागरिकों को, बच्चों को, स्कूल के प्रिंसिपल्स को, जहाँ हमारे बच्चे की भोजन की व्यवस्था है, आवास की व्यवस्था है, और सभी ग्रामवासियों को, जनप्रतिनिधियों को, जिनने भी पूरा पूरा सहयोग दिया हमारे बच्चों को, बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद और शुक्रिया। मैं एक आप लोगों के लिए मैं कहना चाहूँगी, माननीय विधायक महोदय यहाँ पे है, जहाँ जहाँ हमारे, मैं 10 तारीख को गई थी उस क्षेत्र में, मेरे को गाँव पूरा पूरा याद नहीं है तो मैं बता दूंगी आपको, तो उस क्षेत्र में पीने की पानी की समस्या है। एक गांव के सरपंच को चार टंकी बना दिए, पांचवा उनका जारी है, पर इस क्षेत्र में मैं वहां गई थी इसके पहले, कहां गई थी इसके पहले, कुसमी और दतान, दतान में मुझे पता चला हमारे बच्चों ने सर्वे किया है तो वहाँ 14 कुआँ है स्टेट जमाने का, पर उस कुएँ की साफ सफाई नहीं होती है। तो थोड़ा आप प्रेरित कर दीजिए सरपंचों को कि वो कुएँ की सफाई की व्यवस्था करें, और जहाँ भी पीने की समस्या है तो हम आपस में ही एक दूसरे का सहयोग करके हम पीने के पानी की अच्छी व्यवस्था कर सकते हैं। सभी ग्रामों में पैसा देती है शासन, तो हम खुद भी अगर शासन से जितना हमको सहयोग मिल रहा है तो उसका दुगुना सहयोग हमको खुद भी करना है, ताकि हमारे गाँव की अन्य समस्याएं, शिक्षा की समस्याएं, स्वास्थ्य की समस्याएं, शराब को दूर करने की, नशे से हमारे बच्चों को बचाने की समस्याएं अपने आप सॉल्व होंगी। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।